होली पर्व को लेकर जिले भर में अपराधियों और अवैध हथियारों की धरपकड़ को लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा विशेष अभियान चलाकर आरोपियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। इसी कड़ी में रविवार को उदयपुर जिले के ऋषभदेव थाना और उदयपुर जिला स्पेशल टीम ने एक अवैध लोडेड पिस्टल के साथ युवक को गिरफ्तार किया है। ऋषभदेव थानाधिकारी लच्छी राम ने बताया कि नाकाबंदी के दौरान संदिग्ध युवक को गिरफ्तार किया, जिसने ट्रैक सूट पहना हुआ था जो कमर की तरफ से थोड़ा उठा हुआ था, जिसकी तलाशी लेने पर कमर में लोडेड एक पिस्टल दिखाई दी, जिस पर ऋषभदेव थाना पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में युवक ने अपना नाम बिलख निवासी दीपक आहारी बताया। इस कार्रवाई में DST इंचार्ज दिलीप सिंह, ऋषभदेव थानाधिकारी लच्छी राम, धर्मवीर सिंह, सुखदेव सिंह, प्रहलाद पाटीदार और दशरथ सिंह की विशेष भूमिका रही।